अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इश्तियाक है और ये है कंसोल टेक। आज काफ़ी देर के बाद ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो बेसिकली कोई नई अपडेट कोई ख़ास नहीं थी। तो अभी एक रिसेंटली PS4 जो है 11.0 के ऊपर हम लोगों ने जेल ब्रेक स्टार्ट की है, जो विदाउट लैपटॉप विदाउट कंप्यूटर के काम करेगा। अगर आपके पास प्ले स्टेशन 4 11.0 के ऊपर है तो उसमें आप हमसे जेल ब्रेक करवा सकते हैं। उसमें आप ना तो लैपटॉप की ज़रूरत होगी ना कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, ये एक डिवाइस होगी छोटी सी, ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये चिप होगी, ये हम आपको अटैच कर देंगे और इसके बाद ऑटोमेटिक ही आपका जो PS4 है वो जेल ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए आपको एक प्ले स्टेशन 4 सॉफ्टवेयर 11.0 पे होना चाहिए। तो ये आपको मैं चेक करा देता हूँ और इसके लिए सिंपल, इसमें कोई मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं लगता। ये ख़ास बात होती है कि ये विदाउट मेमोरी कार्ड इसमें चिप में इंस्टॉल नहीं है, ये मेमोरी कार्ड के बगैर है। ये एक लाइन केबल होगी और जो हम इसके अंदर इस तरह लगाएंगे, और एक ये USB की केबल लगेगी जो इसको स्टार्ट करेगी, पावर लगाएंगे और फ्रंट पे ये केबल अटैच हो जाएगी और बैक साइड पे ये इंथरनेट की केबल उसको लगा देंगे इस तरीके से, और PS4 को करेंगे स्टार्ट। जैसे आप प्ले स्टेशन 4 ऑन करेंगे तो आप कुछ ही सेकंड में, मतलब मैं 2 मिनट में या 1 मिनट में, समटाइम 1 से 1.5 मिनट में ही आपका PS4 जेल ब्रेक हो जाएगा। तो आपको मैं लाइव डेमो दे रहा हूँ, ये आपको चेक कराते हैं। अभी ये प्ले स्टेशन 4 ऑन हो गया है, ठीक है। मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करा देता हूँ। ये देखिए, सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम और सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन में, ये 11.0 के ऊपर है, अभी ये जेल ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैंने इसको कोई केबल नहीं लगाई, कोई चीज़ अटैच नहीं की, सिर्फ जस्ट हम लोगों ने इसको चिप लगाई है और बस ये आगे कुछ देर वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर हैंड लोड हो जाएगा। ये PSN प्लस के साथ ही आपको अभी हैंड लोड हो जाएगा, तो जेल ब्रेक आपका एक्टिव हो जाएगा। आपको कोई लैपटॉप वगैरह लगाने की, कोई कंप्यूटर की, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब ये सिंपल ही हो जाएगा। और अगर किसी बंदे का 11.00 नहीं है, मतलब वो 11.02 पे चला गया है, तो वो हमसे डाउनग्रेड भी करवा सकते हैं। ये देखें, ये जो है ये हैंड लोड हो गया है और देखिए ये गोल्डन हैंड लिखा आ गया है। तो इस तरह बस ये सिंपल है, हम लोगों ने कुछ नहीं करना, बस सिर्फ जस्ट 1 से 1.5 मिनट वेट करना है और आपकी गेम्स जो है वो अनलॉक हो जाएगी, जितनी भी गेम्स होंगी वो चल जाएंगी। ये देखेंगे गोल्डन हैंड वर्किंग कर रहा है, ठीक है। सिंपल मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये आप हमसे डिवाइस लें और आपके पास PS4 11.0 के ऊपर होगा तो वो आप इसको अनलॉक करवा सकते हैं। डिवाइस इंस्टॉल करवाने के लिए आप हमारे पास आए तो इंशाल्लाह आपको 1 घंटे में, आधे घंटे का टाइम देंगे, आपको ये PS4 रेडी कर देंगे। तो ये गेमें इसमें वही 9.0 वाली जो आपका पुराना डाटा है, या किसी भी शॉप के पास आप जाएंगे वो आपको वो गेमें कॉपी कर देगा। तो गेमों की प्राइस हर दुकानदार की अपनी अपनी है, लेकिन हम आपको 300 रुपये में गेम कॉपी कर देंगे और डिवाइस जो हम आपको 10,000 रुपये में लगा के देंगे। तो अगर किसी ने भी करवानी हो हमारे पास तशरीफ़ लाएं, इंशाल्लाह आपको कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।